नमस्कार दोस्तों, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जैसे कि भाइयों, आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। आपका भाई एक नई वीडियो लेकर आया है और भाई हम आ गए हैं देहरादून में, जो कि बोधा टेम्पल में, जो कि जैन मंदिर जिसके नाम से जाना जाता है। और भाइयों, जैनियों के खास मंदिर है। और भाइयों, मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं है, अगर मेरे से कहीं गलती हो जाए तो आप उसको कमेंट में बताना भाइयों। और भाइयों, भगवान बुद्ध की जो ये टेम्पल है और मूर्तियाँ भी हैं, बहुत सी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। देखो, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सामने गेट पर किस तरीके से लिखा हुआ है, और हमें पढ़ाई आती नहीं है क्या लिख रहा है। और पास में पहुंचते जा रहे हैं, कितनी खतरनाक लोकेशन है भाई। आप देखो भाई, जो जैनियों का मंदिर होता है भगवान बुद्ध, उसका ये मंदिर बना हुआ, और उसकी देख रहे हो आप सामने मूर्ति भी दिख रही होगी। और भाई, आपको 150 फुट मूर्ति भगवान बुद्ध की जरूर दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहना एंड तक। आपको लोकेशन और आपको टिकट सब कुछ इसमें आपको बता रहा हूँ भाई। वीडियो में टिकट फ्री है भाई इसमें, और पार्किंग का पैसा लगता है। और इस मंदिर की जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से और 12 बजे तक है, और गर्मियों में 9:30 बजे से 12:30 बजे, उसके बाद फिर 2:30 बजे खुलता है। इसकी भी एक अलग अलग टाइमिंग है इस मंदिर की। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, कितने बड़े बड़े घंटे बने हुए हैं, और भाई मूर्ति और मंदिर बना हुआ। पास में लेकर चलता आपको दिखाता हूँ, और भाई मज़ा आने वाला है वीडियो में। भाई पार्क देखो यार, पार्क भी इसमें जाना वैसे अलाउड नहीं है, और शानदार बना रखी भाई पार्क भी यहाँ पे, कितना जबरदस्त लग रहा है। और भाई यहाँ का व्यूज देखो भाई। और भाइयों, ये मूर्ति किसकी, आप कमेंट करके बताओ भाई, कितनी ऊंची हाइट की मूर्ति है भाई। ये देखो भाई, ऐसे लग रहा है जैसे हम चाइना में आए बड़े हैं, जैसे नेपाल में, चाइना में। जैसा कि दोस्तों अब दूर से हम आपको मूर्ति दिखा रहे थे, पास से देखो भाई कितनी बड़ी मूर्ति है। इसके आगे तो हम ऐसे लग रहे हैं जैसे चींटी खड़े हो, नीचे चींटी होती है ना इस तरीके से। अभी भी पास नहीं गए अभी, और भाई मैं आपको और पास में लेकर चलता हूँ, और भी दिखाऊंगा अभी आपको बिल्कुल इसके नज़दीक। भाइयों, इस जो मूर्तियों की खास बात यह है कि जो ये सारी मूर्तियाँ हैं, ये माइंड ड्रोनिंग संस्था है, उन्होंने ये सारी इनका निर्माण कराया था। तो भाइयों, यहाँ मूंगफली बादाम ये चीज़ नहीं खा सकते, और आप यहाँ गुट्टू घूमी नहीं कर सकते अपने आते हो तो किसी परिवार के साथ। भाई ये धार्मिक स्थल है, बिल्कुल सही तरीके से आप इस चीज़ को घूम सकते हो, क्योंकि यहाँ जो कानून है उस कानून के तरीके से ही चलना पड़ता है भाई। जैसा कि दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, जो महामंदिर क्या है ये, इसको घुमाने के लिए एक बंदा नहीं घुमा सकता, लेकिन तीन घुमाते हैं। और भाई इसमें साफ लिखा हुआ है, इस तरीके से घड़ी घूमती है उस तरह उधर ही घुमाना पड़ता है भाई इसको। अरे बहुत लगानी पड़े इसमें तक, आ जाओ तुम भी भाई। ये है धर्म चक्र, जिसे हम सीधा घड़ी की दिशा में घुमा रहे हैं, और इसके घुमाने से भाई इसमें जो कोई मन्नत अपनी मांगता है उसकी मुराद पूरी होती है भाई। और भाई हमने भी आज घुमाया है, और हमारी भी मुराद पूरी होगी भाई, जरूर होगी भाई। एक बात देखो, देख जो ये पूरा घूम जाता है तो घंटे बजती है। हाँ ये देख, एक बार अब फिर से देखना, अब ये पूरा चक्कर होगा तो ये घंटी बजेगी इससे। अच्छा वो, अरे ये है ना, ये है ना, ये देख इसके सरिया लगा, वो इसलिए घूमती है ये। हाँ घंटी बजे। जैसे कि भाई आप लोगों को ये दिख रहे हैं, 6 छोटे छोटे ये भी मंदिर हैं, इनमें आपको लेकर चलता है बड़े मंदिर के पास। आप लोग देख रहे हैं भाई कितनी ऊंची हाइट है, और भाई मजा आने वाला वीडियो में। आप लोग देखते रहे, मूर्तियां रखी गई है हर मंदिर में। हाँ ये मंदिर दर्शाए गए हैं इसमें, इनके इनमें मूर्तियाँ अंदर। भाइयों इसकी खास बात यह है कि अगर आप इस खूबसूरती का नज़ारा लेना चाहते हो तो एक बार यहाँ भाई जरूर आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। कोई टिकट का पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पार्किंग का पैसा लगता है भाइयों। और भाई एक बार टूर आओ, एक बार विजिट करो तो आपको बहुत मज़ा आएगा भाई यहाँ पर तो कैसा है। और जिस भाई को जो नहीं आ सकता वो हमारी वीडियो में मज़ा ले सकता है भाई। जैसे कि भाई अंदर फुल्की फुल्की आवाज़ आ रही है, अंदर इनका प्रोग्राम चल रहा है, मोंग जिसको बोलते हैं, मोंग है। और भाई अंदर देखो बिल्कुल साइलेंट में इनकी। जैसा कि दोस्तों हाँ लोग अंदर लेकर चलता हूँ, अगर कैमरा चालू रहेगा तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और नहीं होगा तो भाई वो बंद कर देंगे, तो भाई फिर हमें कैमरा खुद देख के आ जाएंगे, फिर हम खुद देख के आ जाएंगे, और कैमरा बंद करना पड़ेगा भाई। चप्पल जूते तो उतारने पड़ेंगे भाई, यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं बाहर से, और फोन हमने साइलेंट कर लिया है, और आपको दिखा देंगे।
जैसा कि दोस्तों हमने अंदर आपको छोटा मोटा सीन जो लिया हमने आपको दिखाया अंदर, वैसे वीडियो बना नहीं सकते। और भाई ये अपना कोई प्रार्थना टाइप करते हैं, कोई अपनी मान्यता है इनकी, उस तरीके से ये करते हैं। और ये नहीं पता किसको किस तरीके से मान के अंदर क्या किस चीज़ की प्रार्थना कर रहे हैं। पर अंदर गए तो बहुत शांति मिली हमको, मन को सुकून मिला, वह शांति थी बिल्कुल, कोई बोलना रोड़ा नहीं हो सकता, माइंड फ्रेश हो गया। हाँ तो भाइयों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके बताना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और भाइयों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे, भाइयों आप हर बार ना वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो देखते लेकिन लाइक नहीं करते हो, वीडियो को एंड तक देखें। और भाई मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो भाई, ठोक दो लाइक अब की बार। आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाइए भाई, और भाई वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना भाई, बिल्कुल। और चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा भाई, ठोक दो अब की बार।